हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज यमन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं यमहा शोरूम के सामने आकर के खड़ा हूँ। एक्चुअली यमहा शोरूम के सामने कोई आया नहीं है बोल करके मैं चाय दुकान में आकर के रुका हूँ। यहाँ पे दीपक बैठा हुआ है मेरे साथ, ये अपनी R15 V4 को लेके आया। इसी के पास अभी R15 V4 है। रिकॉर्डिंग में निकलने क्या मकसद क्या है? सामने शोरूम है ना, तो उधर से एक राइड होने वाली है अभी, तो उसी के लिए राइड। ये आपका कुछ है, उन लोगों का इवेंट वगैरह हो रहा है तो उसी के लिए राइड कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अपनी चाय है और ये सुबह सुबह मिठाई वगैरह लेकर के बैठ गया है। भाई तेरे को सुबह सुबह भूख लग जाता है? खाते रह भाई, खाते रह, अपना चाय लेते हैं। तो एक्चुअली आज होने क्या वाला है आप लोगों को बता देता हूँ। आज यमहा के तरफ से एक राइड होने वाला है न्यू टाउन के तरफ में। हाथ दर्द कर रहा भाई, सिर्फ 2 दिन तेरे पास रहा इसी में तेरा हाथ दर्द हो गया भाई। अच्छा, जब से मैं MT15 शोरूम से लेकर के आया हूँ ना, तब से अपनी R15 इसी के पास है, यही चला रहा है। और इतने में बोल रहा है इसका हाथ दर्द कर रहा है, आज नहीं चलाएगा ये बाइक। भाई देख, चलाने का ना एक तरीका होता है इसको, अगर जब अच्छे से बैठ करके ना चलाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ना ना, हमको नहीं पता। तो हम कैसे लद्दाख ले गया बोल। सो गाइस अभी मेरे पीछे देख ही पा रहे हो, बाइक्स का लाइनअप लग चुका है। टोटल 14 या 15 बाइक्स होंगी यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, टी शर्ट वगैरह पहनेंगे और इधर से निकल के न्यू टाउन के लिए जाएंगे। मैं पूछा तो मेरे को पता चला न्यू टाउन में जो कॉफी हाउस है ना, वहाँ पे कोई एक यमहा का इवेंट होने वाला है। मेरा साइज का है तो बड़ा लग रहा है। यहाँ ऑफिशियल का ब्लू वाली टी शर्ट मैंने डाल लिया, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं, इसी को लेके एडजस्ट करना पड़ेगा। MT15 खड़ी है और यहाँ पे अपनी R15 खड़ी है। दोनों ही बाइक्स आज अपनी जाएगी भाई, धूम मचाएगी भाई। यहाँ पे दो बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये R15 V4 में, ये एक्रापोविक की फुल सिस्टम लगी हुई है। यहाँ पे R15 V3 में भी सेम एग्जॉस्ट लगी हुई है, बट इसकी साउंड ज्यादा अच्छी आ रही है। देखो ये छोटू दा यहाँ का सबसे बड़ा कॉमेडियन, हमेशा एक्टिव रहते हैं, फुल जोश में रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। ये भाई ये देखो, कोई फोटो नहीं उठा रहा है बट ये पोज देके खड़े हैं। भाई देखो यहाँ पे पूरा लाइन अब लग चुका है। यहाँ पे अपनी MT15 सबसे पहले में खड़ी है। सारे राइडर से आप लोगों को मिला देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटू दा हाय, क्या चला रहे हो आप? हम तो R15। अच्छा, V4 राजू रॉय, हेलमेट तो खोल लेते हैं। मैं चला रहा हूँ R15। मेरा नाम है अजय मंडल राहुल, और ये अपने सायुंदा, ठीक नाम बोले तो। आपका नाम? तितली। रितेश, इशिता, रिक, ओके, सोनदीपन, सोईकोद्दा, सोमनाथ, और इधर पे अपना दीपक भाई, हाय कर दे दीपक, वो नींद में अभी, रोहित भाई, और इधर पे अपने मंजीत भैया, क्या चला रहे हो? वाह मंजीत भैया, स्कूटी लेकर के जाएंगे, सारे मिलकर के अभी राइड करेंगे भाई। अरे भाई फोटो उठाने में पीछे रह गए, आपके साथ यही होने वाला है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कहीं रह न जाए। गाइज ये राइड कितने किलोमीटर का है ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लगभग 20 या 25 किलोमीटर जैसा राइड होगा, मतलब 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना। भाई अपना दीपक भाई बोल रहा था अपने को V4 चलाने के लिए, बट मैं बोला नहीं भाई आज MT चला लेते हैं, क्योंकि भाई जब नई बाइक आ जाती है ना लाइफ में तो पुरानी बाइक चलाने का मन नहीं करता है। मतलब नई बाइक का जो स्मूथनेस है ना, जो मज़ा है, उसको छोड़ के कहीं और जाने का मन नहीं करता है। फिर आप अगर जो पुरानी बाइक चलाओगे ना तो आपको राइड में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि भाई अपनी V4 का लद्दाख से आने के बाद सर्विसिंग नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी रफ चलती है वो वाली बाइक। कॉफी हाउस जाने के लिए इस वाली जगह से हम लोगों को राइट लेना पड़ेगा। एंड भाई यहाँ से व्यू एक बार देखो यार, क्या तगड़ा व्यू हो के रखा है। मैं गारंटीड हूँ भाई आज तो बारिश होके ही रहेगा, शायद रिटर्निंग में हम लोगों को बारिश मिलेगा। और ये देखो काफिला गैंग हमारा। तो गाइस कमाल, ये अभी हम लोग कॉफी हाउस न्यू टाउन आकर के पहुंच चुके हैं। भाई बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है ये वाली, मतलब बहुत अच्छी लगती है यार देखने में। ये वाली version 3 निकल रही है, मजेदार भाई, इसमें गजब का रिएक्शन आने वाला है, मजा आने वाला है भाई। ये वाली
तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा केक कटिंग वगैरह हुआ, अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए, नाम आपका रीजू। रीजू कहाँ से हो आप? तो गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह आया है, सैंडविच है, केक है और भी कुछ कुछ है, और यहाँ पे पानी का बोतल भी आया है, चाय भी आ गया। थैंक यू मैम। एंड ये भाई को अगर आप लोग पहचान रहे हो तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये अपने सब्सक्राइबर भाई है, एक दिन मिले थे इनके साथ, थोड़ा सा छोटा सा राइड किए थे, ये बोल रहे थे कहीं राइड होगा तो बताना, मैंने बताया और ये एकदम बिल्कुल स्पॉट पे आकर के पहुंच गए। बहुत डेडिकेशन था, रात भर सोए नहीं इस राइड में आने के लिए, तो हम लोगों को ये शोरूम से ज्वाइन नहीं कर पाए बट यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लिए। ये अमन भाई जो है मतलब वो बात के एकदम सेपरेट नहीं करके रखते हैं ना, सब्सक्राइबर होता है नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा सब्सक्राइबर मेरा सब्सक्राइबर ही फैमिली है, सारे सब्सक्राइबर मेरे फ्रेंड है, जब भी कोई भी सब्सक्राइबर मेरे को ऑन स्पॉट मिल गया वो मेरा फ्रेंड बन गया, लाइक दैट, है ना, ऐसा है। और इनके साथ ये भाई भी आए हैं, भाई हेलो कर दो, ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। अभी हम लोगों को मिला, मैं वीडियो कर रहा हूँ, ये यहाँ तक पे गायब करना भी शुरू कर दिया। कैसा लगा तेरे को केक? तो गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो गया है, क्या हुआ? ओ फोटो उठाना इधर पे। चलो भाई देखो यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है, अभी हम लोग भी फटाफट से हेलमेट नहीं उठाते और बाहर निकलते, जाकर के देखते हैं बाहर शायद से राइड होगी। इधर रेस लगेगा भाई, बहुत सारी बाइक्स और जितनी ज़्यादा बाइक्स होती है एक्सीडेंट का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन किधर से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, साइड में कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, सारे राइडर को यहाँ पे साइड होना ही पड़ेगा यार, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। मेरा तो गोप्रो भी है, फटाफट से उतरते हैं और इसको प्लास्टिक में भरते हैं। सो गाइस रिटर्निंग का राइड जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, बहुत जोरों का बारिश होने लगा बोल करके गोप्रो मैं बैग के अंदर रख दिया था, तो वहाँ से यहाँ तक का व्लॉग नहीं कर पाया। फिलहाल अभी मैं बाईपास ढाबा में आया हूँ, मैं नहीं पूरा ग्रुप ही यहाँ पे आया, थोड़ा चाय वाय पी रहे, इसके बाद फिर से शोरूम जाएंगे और राइड को खत्म करेंगे। रिटर्निंग के समय इस भाई को फिर से पुलिस पकड़ लिया, फिर से मतलब लास्ट टाइम जब राइड हुआ था तब भी इस भाई को पुलिस पकड़ लिया था, और अभी पांच बाइक खड़ा था ना अभी साथ में, उसमें से इसको निकाल करके पकड़ा और इसका पॉल्यूशन फेल था, चालान हो गया। पूजा उजा कराओ भाई, तुम जा करके अपना भी कराओ और गाड़ी का भी कराओ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे राइड कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ से घर जाएंगे। मैं भी यार बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मेरा भी रात को नींद अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस ब्लॉग को और लंबा नहीं खींचेंगे, इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे। अगर जो ब्लॉग में कुछ भी पसंद आएगा तो ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रियल टाइम अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए भाई इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, उधर पे स्टोरीज वगैरह देते रहता हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।